हेलो वेलकम यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि काइनेमेटिक पेयर्स क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि चेन क्या होती है। हमने लिंक की बात कर ली, हम लोगों ने पेयर्स की बात कर ली, अब लिंक और पेयर का यूज करके हम लोग कैसे चेन बनाते हैं। तो सबसे पहले काइनेमेटिक चेन क्या होती है, व्हाट इज काइनेमेटिक चेन। तो काइनेमेटिक चेन और चेन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चेन मतलब बहुत सारे लिंक जो आपस में जुड़ती है तो उसको हम लोग चेन बोलते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे लिंक मान लो आपस में जुड़ जाती है, ये लिंक है, ये लिंक है, ये लिंक है, तो ये चेन हो गई। लेकिन काइनेमेटिक कब होगी, जब लास्ट लिंक फर्स्ट लिंक से जुड़ जाएगी तो उसको मैं क्या बोलूंगा, काइनेमेटिक चेन। इसका मतलब व्हेन काइनेमेटिक पेयर्स आर कपल्ड, जो काइनेमेटिक पेयर्स हैं आर कपल्ड इन सच ए वे दैट द लास्ट लिंक इज जॉइंड टू द फर्स्ट लिंक। लास्ट लिंक को अगर फर्स्ट लिंक से जोड़ देता हूं और उनके बीच में एक डिफिनाइट मोशन ट्रांसमिट होता है तो उसको मैं बोलता हूं काइनेमेटिक चेन। तो चेन और काइनेमेटिक चेन में डिफरेंस समझ में आ गया। चेन मतलब बहुत सारे लिंक आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन वो काइनेमेटिक तब कहलाएगी जब लास्ट लिंक आपकी फर्स्ट लिंक से जुड़ जाएगी, उसको मैं बोलता हूं काइनेमेटिक चेन। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब काइनेमेटिक चेन के अंदर कितने जॉइंट्स हो सकते हैं, कितने टाइप के जॉइंट्स हो सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो जो पहला होता है हमारा होता है बाइनरी जॉइंट। बाइनरी जॉइंट मतलब क्या होगा, ये आपकी मान लो फोर बार चेन। तो फोर बार चेन के अंदर कितने जॉइंट है, आप देखो एक जॉइंट ही है मेरा, एक जॉइंट ही है, एक जॉइंट ही है और एक जॉइंट ही है। तो जब ये जॉइंट कैसे बना है, मान लो 1 2 3 4, तो 1 और 2 के बीच में एक जॉइंट है, 2 और 3 के बीच में एक जॉइंट है, 3 और 4 के बीच में एक जॉइंट है और 1 और 4 के बीच में एक जॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाइनरी जॉइंट जो है यहाँ पर चार लिंक के अंदर चार जॉइंट होंगे। तो ये इसको बाइनरी जॉइंट को बोलता हूँ 1B, ये एक बाइनरी जॉइंट है। दो लिंक को एक जो जॉइंट जोड़ता है आपस में उसको मैं बोलता हूँ जॉइंट, और एक है तो ये 1 बाइनरी जॉइंट है। अगर बात करता हूँ मैं टर्नरी जॉइंट की, तो टर्नरी जॉइंट क्या होगा, आइए देखते हैं। सपोज कुछ ऐसा आपका स्ट्रक्चर है, यहां पर आप देखो यहां पर तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक लिंक है जुड़ी, एक लिंक है जुड़ी, एक लिंक है जुड़ी हुई। सिमिलरली इस पॉइंट पर एक लिंक की, एक लिंक की, एक लिंक ले। तो ये क्या है, ये टर्नरी जॉइंट है क्योंकि वहां पर तीन लिंक जुड़ी हुई है। तो टर्नरी जॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, टर्नरी जॉइंट को मैं बोल सकता हूँ 2 बाइनरी जॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को बोल सकता हूँ मैं 2 बाइनरी जॉइंट, मतलब एक टर्नरी जॉइंट जब तीन लिंक आपस में जुड़ती है तो उसको मैं 2 जॉइंट काउंट कर सकता हूँ, 2 बाइनरी जॉइंट काउंट कर सकता हूँ। अगर बात करता हूं मैं क्वार्टरनरी जॉइंट की, तो वहां पर क्या होगा, जहां पर चार लिंक आपस में जुड़ी हुई हो, है ना, चार लिंक आपस में जुड़ी हुई हो, उसको अगर हम लोग देखें तो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम में जो आपका ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर 1 2 3 4 4 लिंक आपस में जुड़ी हुई है, तो ये क्या कहलाएगा मेरा, क्वार्टरनरी जॉइंट। तो एक क्वार्टरनरी जॉइंट के अंदर कितने होते हैं, उसके अंदर हम लोग बोलेंगे 3 बाइनरी जॉइंट होते हैं। मतलब जब 2 लिंक आपस में जुड़ी तो 1 जॉइंट है, जब 3 लिंक आपस में जुड़ी हो तो 2 जॉइंट बोल सकता हूं मैं उसको, और जब 4 लिंक आपस में जुड़ी हो तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं, 3 जॉइंट बोल सकता हूं। तो ये हुआ हमारा क्वार्टरनरी, बाइनरी और टर्नरी जॉइंट्स के बारे में, कि चेन क्या होती है देख लिया, जॉइंट्स क्या होते हैं वो देख लिया। अब क्वेश्चन क्या आता है आपको कि नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं वो आपको निकालना है। सपोज तो ये आपको मान लो पूरा सिस्टम दे दिया, वो यार ऐसा कुछ चेन है पूरी, इस चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ जॉइंट है, क्या वो निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि जॉइंट कितने हैं इसके अंदर। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कितने जॉइंट हैं, 3 लिंक आपस में जुड़ी है, मतलब 2 बाइनरी जॉइंट हो गए। यहाँ पर 3 लिंक जुड़ी है तो 2 बाइनरी जॉइंट हो गए। यहाँ पर 4 है तो 3 बाइनरी जॉइंट हो गए। यहाँ पर 3 लिंक है तो 2 बाइनरी जॉइंट। यहाँ पर भी 4 लिंक है तो 3 बाइनरी जॉइंट। यहाँ पर 3 लिंक है तो 2 बाइनरी। यहाँ पर सिंगल है तो 1 बाइनरी। अगर काउंट हम करें तो 2 और 3 हो गया 5, 5 और 2 हो गया 7, 8, 8 और 2 आपके पास 10 और 3, 13 और 15। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जॉइंट कितने हो गए, यहाँ पर नंबर ऑफ जॉइंट कितने हो गए, 15। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ जॉइंट्स निकाल सकते हो अगर आपको बाइनरी, क्वार्टरनरी और टर्नरी लिंक के बारे में पता हो तो। तो चेन हमने बना ली है, अब बात करते हैं हम लोग कि मैकेनिज्म कैसे बनेगा। तो मैकेनिज्म क्या होता है कि जब जब किसी काइनेमेटिक चेन की एक लिंक फिक्स कर दी जाए, जब किसी काइनेमेटिक चेन की एक लिंक फिक्स कर दी जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म। जैसे मान लो कोई 4 बार चेन है, या आपकी कोई 4 बार चेन है,
तो अगर मैंने ये मान लो 1 2 3 4, अभी ये क्या है, एक चेन है, और कौन सी चेन है, वो काइनेमेटिक चेन है, क्योंकि इसके जो लास्ट लिंक है वो फर्स्ट लिंक से जुड़ी हुई है, 1 4 से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं लिंक 1 को फिक्स कर देता हूँ या किसी एक लिंक को मैं फिक्स कर देता हूँ, चाहे मैं इसको चाहे मैं इसको चाहे मैं इसको, तो उसको मैं बोल देता हूँ मैकेनिज्म। तो ये हो गया आपका पूरा, क्या हो गया, मैकेनिज्म। मतलब जब किसी भी काइनेमेटिक चेन के अंदर हम किसी एक लिंक को फिक्स कर देते हैं तो वो मैकेनिज्म कहलाता है। आइए मैं आपको 3 डायग्राम बताता हूँ, आपको मुझे बताना है कि ये क्या चीजें हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सी चेन है और कौन सी मशीन है। तो क्या आप मुझे इसमें बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी मशीन है और कौन सा चेन है और कौन सा मैकेनिज्म है? तो ऑब्वियस है कि जो पहला है इसमें, इसको क्या बोलेंगे, ये चेन है, इसके अंदर चारों लिंक है आपस में जुड़ी हुई, लेकिन कोई भी फिक्स नहीं है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। दूसरा जो है यहाँ पर एक लिंक से सिलेंडर फिक्स है, तो ये मेरा क्या है, मैकेनिज्म, ये चेन थी, ये मैकेनिज्म हो गया। अब इस मैकेनिज्म को मैंने जब किसी क्लोज्ड कंटेनर में या किसी क्लोज्ड शेप में इसको पैक कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे तो ये मेरा क्या मिल गया, मुझे मशीन। नाउ आप लोग अब समझ गए होंगे आई होप कि लिंक क्या होती है, पेयर क्या होते हैं, चेन क्या होती है, काइनेमेटिक चेन क्या होते हैं, मशीन क्या होती है और मैकेनिज्म क्या होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम इस यूनिट का, तो उसके हम लोग बात करेंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट इस लेक्चर में यहाँ तक में, तो आप मुझे क्लास में पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।